ढेर सारी खुशियां लेकर आते हैं। और हाँ, उनके पीछे एक स्टोरी भी होगी, तो हमको वो भी पता होनी चाहिए। एंजॉय तो करना चाहिए फेस्टिवल्स में, लेकिन जो कोई भी फेस्टिवल आ रहा है वो क्यों सेलिब्रेट हो रहा है, उसके पीछे स्टोरी क्या है, क्या रीजंस थे, ये भी हमको पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एक फेस्टिवल के बारे में जानने वाले हैं, जो कि पोंगल फेस्टिवल, उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर एक गर्ल है जिसका नाम है अनु और उसकी ग्रैंडमा है। देखो आप, ये ग्रैंडमा है और ये अनु है। अनु रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल, शी वॉज वेरी हैप्पी, हर ग्रैंडमदर वॉज सिटिंग एंड रीडिंग अ बुक। अनु जो कि एक छोटी सी लड़की है, वो स्कूल से घर आती है और वो बहुत ही हैप्पी होती है, और उनकी जो ग्रैंडमा है वो बैठकर बुक पढ़ रही होती है। हेलो ग्रैंडमा, सेड अनु, और अनु आकर ग्रैंडमा को हेलो बोलती है। हर ग्रैंडमदर लुक्ड अप एंड सेड, हेलो माय चाइल्ड, हाउ वाज योर डे। तो ग्रैंडमा भी ऐसे बुक पढ़ रही होती है, तो उसे ऊपर देखकर बोलती है, हेलो माय चाइल्ड, हाउ वाज योर डे, आज का तुम्हारा दिन कैसा रहा। इट वॉज ग्रेट, यू नो वी हैव हॉलीडेज फॉर 4 days स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, सेड अनु एक्साइटेडली। सो अनु बोलती है, बहुत ही अच्छा दिन था। क्यों? क्योंकि उसको पता चला था कि भाई अब से 4 दिनों तक तो स्कूल में छुट्टी होने वाली है। तो आप भी एक्साइटेड हो जाते हैं ना जब आपको पता चलता है कि कल से 2-3 दिन के लिए छुट्टी है स्कूल में। तो अनु वॉज ऑल्सो एक्साइटेड व्हेन शी हर्ड दैट अपकमिंग 4 days देयर विल बी अ हॉलीडे इन द स्कूल। तो ग्रैंडमा को बोलती है कि 4 दिनों तक स्कूल में छुट्टी है, इसलिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। Yes, I know that. Anu smiled grandmother. She closed the book and kept it next to the coat. फिर grandma जो है वो book को बंद करके ऐसे साइड में ऊपर रख देती है और smile करती है। Pongal is an important festival of Tamil Nadu. In the village, we even decorate our kettles. But grandma, please tell me more about the festival. तो अनु बोलते हैं कि लेकिन मुझे इस फेस्टिवल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, तो प्लीज आप मुझे बताओ ना। Sure dear, said grandmother. Grandmother जो होती है वो बोलते, of course मैं तुमको बताऊंगी। Pongal is 4-day festival celebrated in Tamil Nadu. Tamil Nadu में Pongal को 4 days के लिए celebrate किया जाता है। On the first day, called Bhogi, जो पहला दिन होता है उसको Bhogi बोलते हैं। We clear our homes and discard the old things, यानी discard यानी throw things that are not needed. जो पहला दिन होता है उसको Bhogi बोलते हैं। तो पहले दिन को क्या करते हैं कि सारे के सारे जो लोग हैं वो अपने घरों को अच्छे से clean करते हैं और जो पुरानी चीज़
ब्राइट, रिप्लाई ग्रैंडमदर। ग्रैंडमा गया, ग्रैंडमा बोलती है बहुत ही अच्छा लगेगा वो तो, बट ग्रैंडमा व्हाई डू वी सेलिब्रेट पोंगल। अनु पूछती है ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन हम लोग पोंगल जो है उसको सेलिब्रेट क्यों करते हैं? दिस फेस्टिवल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी, जो किसान जो खेत में हल जोतते हैं, अनाज को उगाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपना फूड खा पाते हैं, इसीलिए एग्री व्हाट। अनु पूछती है एग्री एग्रीकल्चर उसको बोलना नहीं आता, तो अनु बोलती है एग्री व्हाट, क्या एग्री मींस क्या? ग्रैंडमा रिप्लाइड स्लोली एग्री कल्चर, एग्री कल्चर, ए जी आर आई अग्री सी यू एल कल टी यू आई चर एग्री कल्चर। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ वर्किंग इन द फील्ड एंड ग्रोइंग प्लांट्स फॉर फूड। एग्रीकल्चर में क्या होता है? तो खेतों में प्रैक्टिस यानी कि अनाज उगाना पड़ता है, उसका ध्यान रखना। But why should anyone work in the field? My father works in the office. तो अनु पूछती है क्यों सारे लोग खेत में काम नहीं करते? मेरे फादर तो ऑफिस में काम करते हैं। Not everyone works in an office. अनु, in our country a lot of people work in the field. तो ग्रैंडमा बोलती है कि अनु सारे के सारे लोग जो है वो ऑफिस में काम नहीं करते। हमारे में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि फील्ड में यानी कि खेतों में काम करते हैं। There are all farmers, और जो खेतों में काम करते हैं उनको हम लोग farmers बोलते हैं। Thanks to them, we get rice, pulses, fruits and vegetables to eat. तो उनको हमें thank you बोलना चाहिए and of course should be thankful for them. Why? Because whatever we are getting for food, all because of them. वो लोग क्या खेतों में पकाते हैं? Rice, pulses, cereals, grain, fruits, vegetables, whatever we are eating. All things comes from the field. खेतों से ही सारी चीजें आती हैं। So इसीलिए वो भी थैंकफुल होना चाहिए फार्मर्स का। ओ हाउ नाइस ग्रैंडमा, तो हम बोलती है कि कितनी अच्छी बात है ग्रैंडमा। सो एज आई वाज सेइंग ऑन दिस डे द फार्मर्स थैंक द सन ऑफ सन गॉड फॉर हेल्पिंग देम ग्रो प्लांट्स व्हिच बाय नाउ आर रेडी टू बी कट sold in the market. So इस दिन को जो farmers जो है वो sun god, जो sun यानी कि जो सूरज देवता है वो thank you बोलते हैं, क्योंकि उनके जो plants से वो ready हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि आप अब फिर से उसको cutting करके market पर बेचने की season आ गई है। हम लोग रोज पानी देते हैं प्लांट्स को, लेकिन सन नहीं निकलेगा तो वो पानी सूखेगा नहीं, और जो उनको जितना भी मॉइस्चर चाहिए होगा वो प्रॉपर मिलेगा नहीं। सन नहीं निकलेगा तो फिर जो क्रॉप्स है वो ऐसे ही खराब हो जाएंगे, राइट? तो आपने साइंस में पढ़ा होगा कि प्लांट्स के लिए राइट एयर वाटर सनलाइट ये तीन चीजें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइस और जैगरी तीनों को कोर यानी कि जो मिट्टी का
चिकन से एक स्वीट डिश बनती है जो सबसे पहले सन गॉड यानी कि सूरज देवता को पहले दी जाती है, उनको पहले ऑफर्ड की जाती है यानी कि परोसी जाती है और उसके बाद उसको शेयर किया जाता है फ्रेंड्स फैमिलीज रिलेटिव्स उन सभी के साथ और इस स्वीट डिश को बोलते हैं पोंगल। ऑन द थर्ड डे द कैटल दैट हेल्प द फार्मर्स इन द फील्ड आर डेकोरेटेड विद गार्लैंड एंड बेल्स दे आर आल्सो फेड विद पोंगल। जो थर्ड डे को क्या है कैटल ऑफ कोर्स आप देख लो किसान जो है तो उसको फार्मिंग में सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है ये कैटल राइट बुल्स जो होते हैं तो जमीन को खेड़ने के लिए डिग करने के लिए बुल्स की जरूरत पड़ती है तो उनको फूलों से बेल से उनको सजाते हैं। देन ऑन द फोर्थ डे द फार्मर्स टेक अ डे ऑफ एंड एंजॉय द डे विद द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड। जो फोर्थ डे होता है उस दिन फार्मर्स जो कोई बात नहीं शॉर्टली तुमको एक अच्छी सी स्टोरी सुनाऊंगी और फिर अनु जो है वो कहते हैं